लालू यादव की आत्मकथा अभी बाजार में नहीं पहुंची है, लेकिन कुछ संदर्भ जो बाहर निकलकर सामने आए हैं उसे बिहार के सियासी मिजाज चढ़ गया है। सवाल सीएम नीतीश कुमार के ऊपर उठाए गए हैं, घेरे में बीजेपी को लिया गया है, इससे एनडीए में बेचैनी है। इसे लेकर अब एनडीए की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। डिप्टी सीएम का दावा है कि किताब में कुछ भी नया नहीं है, तो जेडीयू इसे सिर्फ राजनीतिक स्टंट मान रही है, लेकिन आरजेडी आज भी दावा कर रही है कि किताब की बातें 100% सच हैं। तो वो किसी गांव का मुखिया भी नहीं बन सकते। नीतीश कुमार जी का अपना कोई जनाधार नहीं है। जारी है लालू के खुलासे पर सियासत। बीजेपी ने लालू के खिलाफ खोला मोर्चा, आरजेडी ने किया जेडीयू पर पलटवार। लालू यादव की किताब गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी को लेकर बिहार का सियासी मिजाज गरम है। किताब में खुलासे सीएम नीतीश को लेकर किए गए हैं, जिससे एनडीए का पूरा कुनबा बेचैन है, और अब इसे लेकर लालू यादव पर हमला किया जा रहा है। अब तो वो रायसीना की पहाड़ी पर चढ़े थे कभी, अब तो वो किसी गांव का मुखिया भी नहीं बन सकते। रेल मंत्री बने तो क्या किया उन्होंने देश के लिए और बिहार के लिए। अब तो एमपी बनना तो छोड़ दीजिए, न एमएलए बन सकते हैं, न मुखिया बन सकते हैं, न कोई वार्ड का मेंबर भी वो नहीं बन सकते। किताब का तो ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन उसका कंटेंट बाहर आ गया, तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। एक कोशिश किया जा रहा है नीतीश कुमार के क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन में डालने का। एनडीए ने लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लालू के किताब के कुछ पन्नों का ही जिक्र अभी बाहर आया है, जिससे सियासी तूफान मचा हुआ। एनडीए लालू यादव को झूठा करार देने में जुटी है, लेकिन आरजेडी दावा कर रही है कि किताब में जो कुछ लिखा है वो 100% सच है। नीतीश कुमार जी का अपना कोई जनाधार नहीं है। नीतीश कुमार जी पॉलिटिकली कितने स्टेबल हैं, अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो वो सब लोग जानते हैं। नीतीश जी ने ऐसा कोई सगा नहीं है जिनको उन्होंने ठगने का काम नहीं किया है। नीतीश जी चुक गए, उनको अफसोस हुआ बाद में, और बाद में इनको एहसास हुआ कि नहीं साहब ये तो गलती हो गई हमसे, तो एक बार चुक हो गई आपकी, कहां से कहां पहुंच गए, हमको बहुत अफसोस है नीतीश कुमार के लिए। चुनावी मौसम में लालू यादव के खुलासे ने बिहार के सियासी तापमान को बदल दिया है। अब घूम फिर कर बातें लालू के किताब की होने लगी है, और परेशानी एनडीए की बढ़ गई है। सवाल जेडीयू के स्टैंड पर उठे हैं और जवाब बीजेपी को देना पड़ रहा है, क्योंकि गठबंधन का सवाल है और लगता नहीं है कि बिहार में इस बात पर चर्चा रुक जाएगी। नवजीत के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया।